तीसरी गेंद लेकर शायान अपने छठे ओवर की और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, 2:45 हुए हैं और आज फाइनल मैच है सीरीज का, आखिरी मैच। बहुत ही जबरदस्त धूप खिला हुआ है, सुहाना मौसम हो गया है, ठंडी हवा चल रही है, मौसम बदलने लगा है, तो चलिए सीधा ग्राउंड चलते हैं और डे नाइट मैच का आनंद लेते हैं। शायान की जर्नी शुरू हो चुकी है एक बार फिर से क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। पता नहीं क्यों शायान का फ्लॉप शो जो है इस सीरीज में खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या लगता है शायान, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यार? मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। बीच में मैचेस हो रहे हैं तो उसके अंदर तो मैं रन्स कर रहा हूँ, लेकिन अभी इस सीरीज में पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन आज मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। यस गाइस, शायान ने बीच में एक 2-3 मैच खेले हैं, उसमें काफी अच्छे स्कोर करे, एक में सेंचुरी भी लगाई, 87 भी करा और फिर 44 भी किया अंडर 16 में, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। एनीवे, ये पैचेस आते रहते हैं बैट्समैन की लाइफ में, तो चलिए सीधा ग्राउंड चलते और देखते हैं क्या कुछ घटता है आज ग्राउंड पे। वैसे ट्रैफिक का एक बार फिर से बुरा हाल है सामने, आप देख सकते हो। 3:35 हुए और हम लोग ग्राउंड पे पहुंच गए हैं। आज फाइनल मैच है सीरीज का। दोनों ही कप्तान मैदान के बीचों बीच आ गए हैं, शायान और वंस। फाइनल मैच है आज, सीरीज का आखिरी मैच है इनफैक्ट, और अंपायर सिक्का उछालने के लिए बिल्कुल तैयार। सिक्का उछाल दिया गया है और शायान ने बोला है टेल्स, और शायान ने टॉस जीत लिया है और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। 35 ओवर्स का ये मैच खेला जाएगा। क्रिकेट वंडर्स इंडिया के एक और सितारे, शानदार बैटिंग पैड्स और बैटिंग ग्लव्स के साथ। गाइज, आप भी अगर ये क्रिकेट गियर्स अपने 4 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में क्रिकेट वंडर्स इंडिया का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं। दोनों ही सलामी बल्लेबाज शायान अपने नए जोड़ीदार के साथ मैदान के बीचों बीच। फिफ्थ मैच सीरीज का, फाइनल मैच। गार्ड्स लेते हुए मैदान के बीचों बीच, मैच बॉल बिल्कुल तैयार, बॉलर भी तैयार, मैच का आगाज होने ही वाला है। का इशारा हुआ, बॉलर अपनी और इनिंग्स की पहली बॉल लेकर सामने शायान, और इसको छोड़ दिया है। वाइड से शुरुआत हुई है मैच की। बॉलर एक बार फिर से सामने शायान, और ये रुक कर आई थी बॉल, छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों। एक बार फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर सामने शायान, और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, वहां पर रन लेना चाहते थे और हालांकि रन मिल गया आखिरकार ओवर थ्रो का, और इस तरीके से शायान ने खाता खोल लिया है अपना। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है, बॉलर पहली गेंद लेकर अपने ओवर की, और इसको फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है और वहां पे फील्डर मौजूद, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। हालांकि बहुत ही उम्दा तरीके से खेला था ये शॉट। एक बार फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर सामने शायान, और उम्दा शॉट कवर्स की दिशा में, और ये अच्छी फील्डिंग बाउंड्री के ऊपर, निश्चित चौका बचाया अपनी टीम के लिए और शायान के खाते में एक और रन। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से सामने शायान, और ये जोर से बल्ला घुमाया था बाहरी किनारे लेकर, थर्ड मैन की दिशा में गई, गली की दिशा में, एक और रन का इजाफा शायान के खाते में। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई, बॉलर सामने शायान, और इसको खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, पीछे फील्डर मौजूद हैं, एक रन से संतोष करना पड़ेगा शायान को। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान, और इसको खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, और ये सीमा रेखा की तरफ जा रही है बॉल, और ये पैरों से रोक दिया, निश्चित चौका, इसके साथ ही शायान के खाते में एक और रन। एक बार फिर से बॉलर सामने शायान, और इसको गली की दिशा में खेल दिया है, बड़ी ही चतुराई से दिशा दिखाया और एक और रन लेने में कामयाब हो गए शायान। गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से सामने शायान, और इसको मिड विकेट की दिशा में खेल दिया है हल्के हाथों से, और वहां पे एक रन लेने में कामयाब हो गए। एक बार फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर सामने शायान,
और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद है, एक और रन का इजाफा, 9 रनों पे पहुंच गए इसके साथ ही शायान। और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और सामने आ गए हैं शायान, और ये सीधा हाथों में मार बैठे, 9 रन बनाकर आउट हो गए शायान। गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से, वैभव तैयार, और ये उमदा बैकफुट पंच, और ये सीमा रेखा के पार चली गई है। इसके साथ ही वैभव के बल्ले से 36 गेंदों में शानदार हाफ सेंचुरी। वैभव बल्ला दिखा दे एक बार जरा, वेरी गुड, शानदार 50। एक और बॉल लेकर बॉलर सामने आतिफ, और ये अच्छी गेंद थी, काफी उम्दा बल्लेबाजी कर रहे हैं आतिफ आज, 17 रन बनाकर खेल रहे हैं 17 ही गेंदों में, नन्हे बल्लेबाज। 33 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 203 रन स्कोर हो गए हैं 6 विकेटों के नुकसान पे। एक बार फिर से बॉलर अगली गेंद लेकर सामने आयान, और इसको खेल दिया है मिड विकेट की दिशा में, वहां पे फील्डर मौजूद, और एक रन लेने में कामयाब हो गए। इसके साथ ही 15 रनों पे पहुंच गए आयान, काफी अच्छा योगदान रहा है आज निचले क्रम के बल्लेबाजों का, जल्दी जल्दी विकेट गिर गई थी शुरुआती ओवर्स में ही। अब आतिफ आ गए हैं सामने बल्लेबाजी के लिए, एक बार फिर से अगली गेंद लेकर, और ये लाजवाब छक्का आतिफ के बल्ले से, शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं आतिफ आज, 23 रन्स पे पहुंच गए हैं 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। इनिंग्स की आखिरी गेंद, सामने आतिफ, और ये हवा में खड़ी हो गई है बॉल, नीचे फील्डर मौजूद, और इसके साथ ही 7वें विकेट का पतन हो गया है आतिफ। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी की आज आतिफ ने, 23 रन स्कोर किए 20 गेंदों में, 4 चौके और 1 छक्के की मदद से। इसके साथ ही पहले इनिंग्स का खात्मा हो गया है, CWI 11 ने 211 रन बनाए, 211 रन, 7 विकेटों के नुकसान पे। सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच आ गए हैं और शायान अपनी टीम के साथ हर्डल बनाकर प्लानिंग में जुट गए हैं 212 रन को डिफेंड करने के लिए। मैच बॉल बिल्कुल तैयार, दूसरी इनिंग्स का आगाज होने ही वाला है, बॉल भी तैयार और बॉलर भी तैयार। एक बार फिर से बॉलर, और ये काफी अच्छी बॉल थी, अच्छी वापसी, पहली बॉल नो हो गई थी, 2 टप्पे से पहुंची थी बॉल जिसके कारण नो बॉल दिया गया था, लेकिन काफी अच्छी बॉल डाली, फ्री हिट का कोई भी लाभ उठाने में कामयाब नहीं रहे बल्लेबाज। 6 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 30 रन से स्कोर हो गए हैं विपक्षी टीम के बिना किसी नुकसान के, और अब शायान अपना पहला ओवर लेकर आ गए हैं गेंदबाजी की कमान संभालने। शायान अपने पहले ओवर की पहली गेंद लेकर, और इसको गली की दिशा में खेला है, फील्डर वहां पे मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। 4थी गेंद लेकर शायान अपने पहले ओवर की एक बार फिर से, और इसको कवर्स की दिशा में खेला है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने पहले ओवर की, और ये उम्दा शॉट और उम्दा फील्डिंग नन्हे फील्डर की तरफ से, रन की कोई गुंजाइश नहीं। इसके साथ ही शायान के पहले ओवर का खात्मा हो गया है। एक बार फिर से शायान आ गए हैं अपना दूसरा ओवर लेकर, पहली गेंद, और ये पैडों पे लगी है बॉल, और ये अंपायर ने आउट करार दिया, और इसके साथ ही शायान को मिल गई है अपने दूसरे ओवर के पहली ही गेंद पे पहली सफलता, और विपक्षी टीम के पहले विकेट का पतन हो गया है 34 रन के कुल योग पे। दूसरी गेंद लेकर शायान अपने दूसरे ओवर की, और ये बहुत ही जबरदस्त अपील, बाहरी किनारा लगा ऐसा लगता है, अंपायर ने नकारा। गेंद लेकर शायान एक बार फिर से अपने दूसरे ओवर की, और ये जबरदस्त गेंद, कीपर भी चकमा खा गए, बहुत ही उम्दा गेंद थी, बहुत ही अच्छी तरीके से कीपर ने गैदर किया, कंप्लीटली बीट हो गए थे बल्लेबाज। आखिरी गेंद लेकर शायान अपने दूसरे ओवर की, और ये अंदरूनी किनारा लेकर सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं कुल मिलाकर शायान। शायान एक बार फिर से आ गए हैं अपना तीसरा ओवर लेकर, पहली गेंद, और ये बिल्कुल टप्पे पे, डिफेंसिव स्ट्रोक, कोई रन नहीं। 5वीं गेंद लेकर शायान अपने तीसरे ओवर की, और ये सीधा हाथों में, और ये दूसरा कैच ड्रॉप हो गया इस मैच का,
बहुत ही जबरदस्त मौका बनाया था शायान को, दूसरी विकेट मिल सकती थी अपने तीसरे ओवर में, बट कैच लेने में नाकाम रहे फील्डर। हरी गेंद लेकर शायान अपने तीसरे ओवर की, और ये फॉलो थ्रू में फील्ड किया, रन की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छे ओवर की समाप्ति हुई। शायान एक बार फिर से आ गए हैं अपना चौथा ओवर लेकर, पहली गेंद और ये सीमा रेखा के पार, चार रनों के लिए। गेंद लेकर शायान अपने चौथे ओवर की एक बार फिर से, और ये अच्छी वापसी, स्लोअर गेंद डाली थी, बाल बाल बचे बल्लेबाज। चौथी गेंद लेकर शायान अपने चौथे ओवर की एक बार फिर से, और एक और उमदा गेंद, बाल बाल बचे बल्लेबाज। शायान एक और नई ओवर लेकर आ गए, हैट्रिक बॉल, दो विकेट ले चुके दो गेंदों में, और ये अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा लेकर सीमा रेखा के पार चली गई, और इसके साथ ही 73 रन स्कोर हो गया है विपक्षी टीम का, तीन विकेटों के नुकसान पे 13.1 ओवर्स में। 30 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 199 रन स्कोर कर लिए विपक्षी टीम ने पांच विकेटों के नुकसान पे, और शायान एक बार फिर से आ गए हैं अपना नया स्पेल लेकर, पांचवा ओवर। सिर्फ 13 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को इस मैच को जीतने के लिए 30 गेंदों में। शायान अपने पांचवें ओवर की पहली गेंद लेकर, और इसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है, रन की कोई गुंजाइश नहीं। तीसरी गेंद लेकर शायान एक बार फिर से अपने पांचवें ओवर की, और इसको एक बार फिर से स्क्वायर लेग की तरफ खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है, एक और रन का इजाफा। धीरे धीरे दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे हैं, सिर्फ अब 11 रनों की दरकार है 27 गेंदों में। एक बार फिर से आ गए अपना छठा ओवर लेकर, सिर्फ 5 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को, और इसको, और ये अच्छी फील्डिंग नन्हे खिलाड़ी की तरफ से, और एक और रन का इजाफा, अब 4 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को। तीसरी गेंद लेकर शायान अपने छठे ओवर की, और ये क्लीन बोल्ड कर दिया है, और इसके साथ ही शायान को मिल गई दूसरी कामयाबी, और विपक्षी टीम के छठे विकेट का पतन हो गया है। 4 रनों की दरकार है सिर्फ विपक्षी टीम को इस मैच को जीतने के लिए 16 गेंदों में। और एक बार फिर से चौथी गेंद लेकर, सिर्फ 4 रनों की दरकार है विपक्षी टीम को, और ये पैडों पे लगी है बॉल, और ये सीमा रेखा के पार चली गई। इसके साथ ही मैच का खात्मा हो गया है, और विपक्षी टीम ने इस सीरीज को जीत लिया है 4 विकेटों से इस मैच को जीतकर, और इसके साथ ही शायान के 5.3 ओवर्स का खात्मा हो गया है, 28 रन दिए, 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। बहुत ही शानदार सीरीज खेला गया KGF और CWI11 के बीच, और सारे बच्चों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही फाइटिंग स्पिरिट के साथ हर मैच में लड़े, और अंत में KGF की टीम ने इस सीरीज को जीत लिया है। और अब बारी है अवार्ड की, बच्चों के मेहनत का वक्त खत्म हुआ, और अब इनाम की बारी है। तो सबसे पहले जो इनाम मिलने वाला है, आज के मैच के जो फाइटर ऑफ द मैच है वो है वैभव, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बहुत ही उम्दा पारी खेली 75 रनों की, वेल डन वैभव। गाइज अब बारी है मैन ऑफ द मैच इस मैच के, आर्यमान जाखर। मैं बुलाना चाहूंगा इस सीरीज के बेस्ट बैट्समैन को, और वो हैं हमारे सबके दुलारे स्वर्ण मोल। जोरदार प्राइज देने वाला नहीं है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। बैटिंग करी भाई, तालियां तालियां, शानदार बैटिंग। तो बारी है बेस्ट फील्डर की, बेस्ट फील्डर है CWI11 के आतिफ। वेल डन आतिफ। और अब हम बुलाना चाहेंगे हम सब के प्यारे आदि देव को, शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है।
बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे गौरव का, जो कि सबसे नन्हे और होनहार बॉलर है, इमर्जिंग प्लेयर। यहाँ पे जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं आर्यमान जाखर के लिए, जो कि मैन ऑफ द सीरीज है। शायान और आतिफ मैच के खात्मे के बाद निकल पड़े हैं घर की ओर, और आतिफ आज सीरीज के बेस्ट फील्डर चुने गए हैं। बहुत बहुत मुबारक आतिफ को। तो गाइज अब हम सीधा घर की ओर निकल पड़े हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दें, और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।